सभी को नमस्कार। अभी दो दिन पहले जेएनयू में जो वामपंथियों द्वारा हिंसक घटना हुई है उसको सभी देशवासियों ने देखा, सब पूरे देश ने देखा। और पूरे देशवासियों में अपील करता है कि माओवादी हैं जो ये लेफ्ट वाले हैं, इनके द्वारा ये घटना होती है और देश को एक तोड़ने की साजिश है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर की आजादी तक जाहिर रहेगी और अफजल के लिए नारे लगाए थे कि अफजल को शहीद तक का दर्जा इन्होंने दिया था। इसे सभी देशवासियों ऐसे लोगों की सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने बड़े विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को, देश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में आती है, सम्मानित यूनिवर्सिटियों में आती है, उसमें ऐसी हरकतें होती है, देश तोड़ने की बात होती है। और पाकिस्तान भी उनके फेवर में जब रैली निकालता है तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ी हिंदुस्तान के खिलाफ ये चाल है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे आतंकवादी टाइप के कुछ लोग हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं, देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। इसलिए आप सभी सतर्क हो और साथ हो, देश के साथ खड़े हो। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा के लोग बदनाम करने की कोशिश वहाँ के आम विद्यार्थियों को साथ लेकर कर रहे हैं, अपने माओवादी एवं वामपंथी विचारधाराओं को थोपने का उनका यह प्रयास देश जान गया है। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि हमें एक साथ खड़ा होकर ऐसी वामपंथी गेम से विश्वविद्यालय को छुटकारा दिलाना होगा। आई स्टैंड विद ABVP। देशवासियों को नमस्कार। भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को वामपंथी विचारधारा के लोग बदनाम करने की कोशिश वहाँ के आम विद्यार्थियों को लेकर कर रहे हैं, अपनी माओवादी और वामपंथी विचारधारा को थोपने का उनका ये प्रयास देश जान गया है। मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूँ कि उनकी वामपंथी विचारधारा की इस गैंग से विश्वविद्यालय को छुटकारा दिलाना हमारे सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। I stand for ABVP।